येस यू हर्व दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो वीडियोज की बात नहीं कर रहा हूं भाई कंप्लीट कोर्ससेट की बात करूं कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और यू नी टू डू इम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियो तो गई आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ए मतलब इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा इससे पहले वाली वीडियो में हमने यह जाना कि किस तरीके से आपका जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ए के अलग अलग डेफिनेशन दी अलग अलग फॉर्म में उन्होंने अपने हिसाब से ए को डिफाइन किया सम वर पॉजिटिव सम वर नेगेटिव कुछ इवन ये भी मतलब कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हाँ क्या क्या लिमिटेशन किस चीज़ को मतलब उस उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फ्यूचर में सॉल्व भी किया जा सकता है वो हमने देख लिया इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको क्या देने वाला हूँ इस वीडियो में मैं अपना वर्जन आपको देने वाला हूँ कि ए बेसिकली है क्या ठीक है तो इस वीडियो में आपको ए का यह पता चलेगा कि किस तरीके से अगर आपके पेपर में आ जाए तो पेपर में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप ए को क्या लिख सकते हो ए के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप क्या लिख सकते हो ठीक है बाकी कोई अगर आपसे पूछ ले तो उसको क्या बता सकते हो तो वो सब कहानी आज इस वीडियो में आपको पता चलेगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया जरूर जानोगे इस वीडियो में तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में आपको नई चीजें जानने को मिलेंगी ये जो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्लास एट का हमने स्टार्ट uh, किया है सब्जेक्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें अभी हम कर रहे हैं यूनिट वन विच इज एक्साइट अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन टू ए चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं वीडियो की ठीक है सो इंट्रोडक्शन टू ए आई ना वट इज ए आई बेसिकली ए आई में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो है कि ये है क्या ये सब्जेक्ट है ये टेक्नोलॉजी है ये किसी का ब्रांच है, है क्या है क्या बेसिकली ये तो इसको ध्यान से समझिएगा बेसिकली ये सब कुछ है ए आई इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस सबसे पहले क्या है ये ये एक टाइप का इंटेलिजेंस है ए आई इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी भी है और इसको हम प्रिसाइजली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं सो ए आई इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी साथ में इट इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ स्टडी मतलब इस पर पढ़ाई भी करी जा रही है रिसर्च भी करी जा रही है एंड अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एम्ड एट डेवलपिंग रोबोट्स और कंप्यूटर्स और सिंपली मशीन दैट थिंक एंड एक्ट और परफॉर्म लाइक ह्यूमन बींग्स मतलब पहले तो आपने क्या बता दिया पहले आपने बता दिया कि क्या क्या है तो क्या क्या है इस तो इंटेलिजेंस तो का फॉर्म है फिर एक टाइप की टेक्नोलॉजी है या क्या सकते हो, एक है, जो कि या या machines, या फिर का हो, जो सोच सकते हैं और एक्ट कर, है, कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं चीजों को जस्ट लाइक ह्यूमन बेसिकली एक ऐसी मशीन एक ऐसे रोबोट बनाना चाह रहे हैं जो ह्यूमन बींग कर सके बेसिकली और और ये आप एक फील्ड ऑफ स्टडी भी कह सकते हो ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कह सकते हो जिसकी मदद से आप करोगे टेक्नोलॉजी भी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कह सकते हो सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजी में क्यों क्या हो जाता है आपका पूरा रोबोटिक आप बना रहे हो रोबोटिक स्ट्रक्चर बना रहे हो बट सिर्फ रोबोटिक स्ट्रक्चर नहीं ऐसा भी कह सकते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप सिर्फ एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो ठीक है या फिर सिर्फ एक गूगल सर्च एल्गोरिथम बना रहे हो तो वो भी ए है ठीक है या एक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है बेसिक ठीक है, so, ये एक कट प्रिसाइज डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हो कभी भी ए से रिलेटेड अगर आपसे कहा है, कहा जाए कि डिफाइन ए आई वॉट इज एआई अगर आपसे कहा जाए तो आप ये एक प्रेसाइज डेफिनेशन ए की लिख सकते हो नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक थ्योरी भी है और डेवलपमेंट भी है कंप्यूटर सिस्टम्स का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम जब इंडस्ट्री में रोबोट्स बना रहे हैं सो दैट इज ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो दैट इज नॉट द सीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थ्योरी भी है साथ में डेवलपमेंट भी है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स मतलब आप थ्योरिटिकली इसको माइंड uh, में मैप करो वो तो है ही साथ में डेवलपमेंट भी है मतलब आप इसको पूरा स्टडी करना मतलब यहां पे जैसे हमने ऊपर कहा ना ये फील्ड ऑफ स्टडी भी है ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस भी है टेक्नोलॉजी भी है इंटेलिजेंस भी है तो ये थियोरटिकल लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है मतलब थियोरटिकल लेवल पे जब आप कंसेप्ट बनाते हो वो भी ए है और जब फिजिकल लेवल पर डेवलपमेंट करते हो एक सिस्टम का वो भी ए है तो प्रैक्टिकली और थियरिटिकली दोनों तरीके से ए आई डिफाइंड है दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस अब आप इसको थियोरिटिकली लो या फिर डेवलपमेंट लो कुछ भी लो कंप्यूटर सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम की स्टडी लो या कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट लो जो कि वो टास्क परफॉर्म कर सके जिसके लिए आपको नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कैन बी परफॉर्म ओनली बाई ह्यूम मतलब ऐसे काम जिसमें हमें ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ी या फिर सिर्फ एक ह्यूमन बींग ही वो काम कर सकता है उस सिचुएशन में अगर आपने एक ऐसा थ्योरी डेवलप कर दी या फिर अगर एक डेवलपमेंट कर दिया पूरा तो उस चीज़ को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर सिस्टम की बेसिकली बात कर रहे हैं जैसे कि स्पीच रिकोगग्नीशन ठीक है किस कोई किसी ने कुछ बोला तो उसका आप रिकोगग्नाइज कर सको कि क्या बोला या किसने बोला तो स्पीच रिकोगग्नीशन डिसीजन मेकिंग अलग अलग लेवल्स पर आकर डिसीजन मेकिंग हो गई विजुअल परसेप्शन विजुअल परसेप्शन मतलब देख के कुछ पहचानना कि सामने वाला कौन है क्या है कैसा है चीजें देख के पहचानना लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसलेट करना समझना बेसिकली आर सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पर्सेस तो ये सब कुछ फीचर्स हैं

ठीक है तो ये हमारा कोई साइकिल लेगा जो हम आगे पढ़ेंगे फॉर नो अभी तक जो हमारा टारगेट है एआई में वो ह्यूमन मिमिक करना ही है ह्यूमन बींग्स को मिमिक करना सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ कॉपी ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद थिंकिंग एबिलिटी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है एक कॉपी है ह्यूमन ब्रेन की मतलब आर्टिफिशियली कॉपी है ह्यूमन ब्रेन की तो ह्यूमन ब्रेन है इसका कॉपी बना दिया आर्टिफिशियली ठीक है विद थिंकिंग एबिलिटी जिसके पास कुछ क्या हो सोचने की क्षमता हो थिंकिंग एबिलिटी हो ठीक है नो अकॉर्डिंग टू जॉन मैके अब जॉन के बारे में हमने सुना हुआ है कौन है फादर ऑफ एआई कहे जाते हैं एक्चुअली इन्होंने ही कॉइन किया था ये टर्म एआई आई इन डाथमोथ कॉन्फ्रेंस जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ठीक है मतलब लास्ट नहीं लास्ट से लास्ट वीडियो में जिसमें हमने स्लाइसिंग करी थी एआई का स्लाइसिंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का क्या मतलब है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलके बन तो गया ये दो शब्द है ना आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस इनका क्या मतलब है किसने कॉइन किया कब किया तो वो सब हमने वहां पे सीख रखा है वो वीडियो नहीं देखिए एक बार देखिए स्लाइसिंग ऑफ एआई ऑफ वर्ड एआई बेसिकली ठीक है सो अकॉर्डिंग टू जॉन मैकार्थी हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई क्या है उनके हिसाब से ए आई इज साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन स्पेशली कंप्यूटर प्रोग्राम्स तो क्या है बेसिकली ए आई तो ए आई इज द साइंस ये वो साइंस है यह इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से आप इंटेलिजेंट मशीन्स स्पेशली कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हो तो ये किसने डिफाइन किया ये जॉन मैकेथी ने डिफाइन किया उनके हिसाब से क्या कहानी ठीक है बट ये बहुत पुरानी बात है ये 1950s की बात है फिलहाल हम आ गए हैं बहुत मॉडर्न ज़माने में तो चीज़ें चेंज हो जाती है जैसे कि हमने पहले भी देखा और आगे भी देखेंगे कि जो इनिशियल टारगेट था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है अभी फिलहाल वो हम आगे विद टाइम विद हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी ठीक है तो आगे देखेंगे सिचुएशन वो चीज़ फॉर नाउ आगे बढ़े तो

ट देर एक्शंस तो वो इस तरीके से प्रोग्राम करे गए वो जो मशीन है वो इस तरीके से प्रोग्राम करी गई है कि वो ह्यूमन्स की तरीके से सोच सके है ना और इवन उन्हीं के तरीके से एक्शंस ले सके जैसे कि ह्यूमन बींग्स लेते हैं बेसिकली ना एनवॉल्वस

ठीक है रीजनिंग दैट इज यूजिंग रूल्स टू रीच अप्रोक्सीमेट और डेफिनेट कंक्लूजन एंड लर्निंग विच इज सेल्फ करेक्शन इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है फॉर नाउ बस ये चीज ध्यान रखिए ये चीज हमें लानी है इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट ओवरऑल इट्स कोर आइडिया इज बिल्डिंग एंड एल्गोरिथम्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशनल टास्क दैट वुड अदरवाइज रिक्वायर ह्यूमन लाइक ब्रेन फंक्शन अगर मैं ओवरऑल कोर आइडिया कहूँ ए आई का तो ये है कि हमें एक ऐसी मशीन एल्गोरिथम्स बनाने हैं विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कम्प्यूटेशनल टास्क तो जो कंप्यूट करने के कैलकुलेट करने के टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकें दैट वुड अदरवाइज रिक्वायर ह्यूमन लाइक ब्रेन फंक्शन जिनको अगर हमने ये नहीं प्रोवाइड किया तो उनको ह्यूमन लाइक ब्रेन पावर की जरूरत मतलब है मतलब ह्यूमन्स के तरीके से कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी चाहिए ना ए आई इज द फील्ड ऑफ कंसीविंग डिजाइनिंग एंड बेसिकली यहाँ कॉमन चाहिए सो ए आई इज द फील्ड ऑफ कंसीविंग डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग मशीन्स विच शुड परफॉर्म टास्क दैट यूजअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस तो बेसिकली ए आई वो फील्ड है जिसमें हम कंसीव कर रहे हैं डिजाइन कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं मशीन्स को जो कि वो टास्क परफॉर्म कर सके जिसमें हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है फाइनली अगर मैं कहूं तो हमें बेसिकली ह्यूमन माइंड में मेक करना है दैट सेट राइट सो दैट इज वॉट ए आई Now, AI uses जो एआई के अंडर आता है जो अलग से एक चीज है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे ठीक है फॉर नाउ ए आई यूजेज मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग वर्ड ही बता रहा है मशीन लर्निंग मतलब मशीन का खुद से चीज़ों को लर्न करना सीखने की कैपेबिलिटी रखना जैसे कि एज ह्यूमन बीइंग हम में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी की हम चीज़ें सीखते हैं सिचुएशंस अलग अलग सिचुएशंस हमारे पास आती हैं उन सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू आर एक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर्स जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की मदद मतलब से हम चीज़ें सीखते हैं वैसी ही कैपेबिलिटी हमें इन मशीन्स में मिलानी है मशीन लर्निंग के थ्रू तो ए आई यूजेज मशीन लर्निंग बेसिकली वो मशीन लर्निंग का यूज़ कर है रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे एल्गोरिथम्स बना रखे हैं जिससे कि वो अकॉर्डिंग टू द डेटा वी आर गिविंग देम या फिर जो भी सराउंडिंग हम उन्हें दे रहे हैं उससे वो चीज़ें सीख पा रहे हैं ठीक है so सो AI आई यूज मशीन लर्निंग टू कंटिन्यूसली लर्न एंड अडेप्ट इट्स एल्गोरिथम्स तो हम मशीन लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं एआई को जिसकी मदद से वो कंटिन्यूसली चीजों को सीख पा रहे हैं ठीक है अडेप्ट कर पा रहे हैं अलग अलग एल्गोरिथम्स में टू बिकम स्मार्टर ईच टाइम एंड ऑटोनोमसली अंडरटेक एक्शन विदाउट ह्यूमन तो वो विद टाइम स्मार्ट बनते चले जाए और ऑटोनॉमसली मतलब खुद से ही बिना हमारे इंटरवेंशन के मतलब बिना हमारे पार्टिसिपेशन के वो क्या कर सके अलग अलग एक्शंस को ले सके सीख सीख के इनिशियली हमें कुछ देना पड़ेगा इंटरवेंशन देना पड़ेगा कुछ कुछ एक्शन उन्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे बट विद टाइम वो सीख के उसको आउटपिट कर सकते हैं मशीन लर्निंग एसेंशियली मीन्स मशीन्स लर्निंग ऑन देयर ओन टू इंप्रूव देयर फंक्शनिंग विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन तो मशीन लर्निंग क्या है मशीन लर्निंग एसेंशियली मीन्स मशीन लर्निंग ऑन देयर ओन टू इंप्रूव देयर फंक्शनिंग विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन तो बेसिकली मशीन लर्निंग का क्या मतलब है? मशीन लर्निंग का मतलब है कि मशीन खुद से सीख पा रहे हैं इंप्रूव कर पा रहे हैं अपनी फंक्शनिंग को अपने टास्क को अपने रिजल्ट सेट को इंप्रूव कर पा रहे बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ह्यूमन के पार्टिसिपेशन के इट इज लाइक अ सिमिलर टास्क ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस बिल्कुल ये वही टास्क है जैसे कि आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझने के लिए तो विद विद एक्शंस एरर्स आ आके गलतियां कर करके चीज़ें सीखते हैं ठीक है द टर्म ए आई डज नॉट ओनली कवर रोबोटिक्स अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझिएगा क्योंकि ये मिथ हमें दिमाग से क्लियर होना चाहिए क्योंकि जब भी ए आई की वजह आ जाए जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था इसकी वजह से मैंने वो चीज क्लियर भी करी थी कि वट डू थिंक इज एआई तो आप क्या सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में जरूर वो एक रोबोट की इमेज आती है कि एक रोबोट है जो मेरे लिए चाय लेके आ रहा है और मैं ले रहा हूँ बट ऐसा नहीं है मतलब वो चीज़ दिमाग से हमें क्लियर करनी है कि ए आई इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रोबोटिक्स सिर्फ रोबोटिक्स नहीं है बिकॉज ये जो साईफाई मूवीज है ना ये इन्होंने हमारे जो न, है ना सोच खराब कर दी है ठीक है कि हम ए आई के बारे में जब सुनते हैं तो हम बहुत ऊपर का सोच लगते हैं ऑल तो ये चीज़ सही भी है बिकॉज वो हमें आइडियाज देते हैं एक एक टारगेट दे, देते हैं हमें ठीक है वो चीज सही है हमें एक आ, वो मैं कहूंगा कि एम्बिशन देते हैं या फिर हमें एक्साइट करते हैं दैट इज गुड दैट इज गुड बट दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए एक्साइटमेंट तक तो ठीक है बट वो चीजें क्लियर होनी चाहिए

सो द टर्म ए डज नॉट ओनली कवर्स रोबोटिक्स राधर इट हैज मच वाइडर स्कोप एंड एप्लीकेशन सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज रैंडम नंबर जनरेशन तो एक बहुत सिंपल सा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि रैंडम नंबर जनरेट कर सके इन विच कंप्यूटर जनरेट एनी रैंडम नंबर एंड वेदर बोथ नंबर सा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया हमने बहुत सिंपलूटर प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम क्या कह रहे हैं बहुत सिंपल से क्या बनाया है कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज रैंडम नंबर जनरेशन प्रोग्राम क्या है रैंडम नंबर जनरेशन का तो इन विच द कंप्यूटर जनरेट नहीं रैंडम नंबर तो एक कंप्यूटर को भी रैंडम नंबर जनरेट करता है एंड अ यूजर गेस इज द नंबर और वह यूजर जो है नंबर को गैस करता है एंड वेदर बोथ नंबर मैच और नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए और वो नंबर मैच करते नहीं करते वही तो एआई है जैसे सपोज मैं एज अंग मैंने एक प्रोग्राम बनाया मैंने एक प्रोग्राम बनाया और वो मशीन मुझे कोई भी रैंडम नंबर दे रही है। अगर मैंने क्योंकि बनाया तो मुझे पता है लॉजिक वो किस तरीके से दे रही है मुझे नंबर अगर मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो जब भी कोई भी नंबर दे मैं उसको गैस ना कर ये चीज ठीक है बिकॉज वहां मशीन कोशिश कर रही है कि वो मुझे कॉन्ट्रेडिक कर सके कैसे सीखे ठीक है और ऐसा एक एग्जाम्पल हम आगे गेम भी खेलने वाले हैं विच इज रॉक पेपर एंड सीजर क्योंकि वहां पे वही जैसे यहाँ पे तो रैंडम नंबर जनरेशन का वहां वही सीन है जैसे कि हम सपोज रॉक पेपर सीजर सब लोगों ने खेला हुआ है राइट सो दिस 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 इज 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 रॉक पेपर तो बेसिकली क्या होता है कि रॉक जो है पेपर को होल्ड कर लेता है सीजर uh, जो है पेपर को काट लेता है रॉक जो है सीजर को तोड़ देती है दैट इज द सीन अब क्या है कि जब भी हम कुछ भी निकालेंगे तो कंप्यूटर को उसका कॉन्ट्रोडिक्ट्री निकालना है जीतने के लिए अब इनिशियली क्या होगा इनिशियली जो भी चीज हम आउटपुट करेंगे जो

यही तो ए है तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रोबोट नहीं बनाना है ये सिंपल सिंपल से एल्गोरिथम्स भी ए ही हैं क्योंकि इनको भी लगाने के लिए बहुत एफर्ट्स मतलब इनको बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं बहुत सोचना पड़ता है वो हायर रोबोटिक्स तो ठीक है बट वो छोटे 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 प्रोग्राम्स ही तो मिलकर वो रोबोट बनाएंगे बेसिकली तो हमें बेसिकली उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को भी सीखना है ठीक है सो दैट इज वॉट इज ए ओके ना ए आई इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग मशीन्स रनिंग ऑन इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स दैट मेक देम कैपेबल ऑफ थिंकिंग एक्टिंग एंड लर्निंग लाइक ह्यूमन मिक्स दिस वेरी नेचर ऑफ ए आई फील्ड मेक्स इट अम्बरेला ऑफ टेक्नोलॉजी अब ये चीज हम बहुत स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि ए आई वो आर्ट है वो साइंस है जिससे कि आप डेवलप कर रहे हो मशीन्स जो इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स को रन कर रहा है जिससे कि उसमें कैपेबिलिटीज आ जा, जा रही है थिंकिंग की एक्टिंग की लर्निंग की जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स अब यह एक ऐसी नेचर है दिस वेरी नेचर ऑफ ए आई फील्ड तो ए आई फील्ड की यह जो नेचर है मेक्स इट अज अंबरेला ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब ये बहुत सारी चीजों को कवर कर सकता है बहुत सारी फील्ड विच कवर्स ऑल द डोमेन्स एंड एप्लीकेशन एरिया हर डोमेन और एप्लीकेशन एरिया मतलब आप जो फील्ड सोच सकते हो वो फील्ड इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि ये सोच सकता है ये सीख सकता है तो इसका अम्ब्रेला इतना बड़ा हो गया है कि ये हर फील्ड को अपने अंडर कवर कर सकता है ठीक है विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट इन अ रेवोल्यूशनरी मैनर तो रेवोल्यूशनरी मैनर में आप इस चीज को जज भी कर सकते हो आगे इवन जब हम एप्लीकेशन देखेंगे इस चीज को देखेंगे कि हर फील्ड में इसका एप्लीकेशन हर फील्ड में एक्सेल कर रहा है थिंक ऑफ वॉट अ मशीन एज इंटेलिजेंट एज अंग कैन डू इन एनी फील्ड तो जो सोच के देखिए एक मशीन जिसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है ना सोती है वो मशीन साइफा डायलॉग हो गया ना ठीक है वो क्या कर सकती है अगर वो ह्यूमन के तरीके से इंटेलिजेंट हो जाए जस्ट थिंक ऑफ इट सो द इम्पैक्ट इसमेंडस एंड वेरी प्रोमिसिंग तो जो इम्पैक्ट है वह बहुत ज्यादा होगा बहुत बड़े लेवल पर होगा और प्रामिसिंग भी बहुत ज्यादा होगा मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट हमें वो देखा जाएगा एक्सेप्ट या विद वन कंडीशन दैट कि उनके जो गोल्स हैं और जो हमारे गोल्स हैं वो अलाइन रहे सेम रहें वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट्री था नहा है ठीक है दैट इज वट इज इंपॉर्टेंट है ना सो हार्डली एनी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन वुड भी लेफ्ट आउट तो मुश्किल ही होगा कोई फील्ड जो बच जाएगी इससे मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ट्रैवल एजुकेशन डिफेंस रियल इस्टेट एफ एम सी जी एक्सेट्रा ऑल वुड बी रिवल्यूशनाइज बाय द टच ऑफ ए आई मतलब कुछ भी नहीं बचेगा सब कुछ बदल जाएगा ये सारी ही फील्ड्स चेंज हो जाएंगी इनके बारे में आगे देखेंगे दिस वे ए आई एज ए फील्ड हैज़ रिमार्केबल स्कोप इन करियर बिल्डिंग नो मैटर विच डोमेन यू बिलोंग टू अब यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता आपको इसमें से किस फील्ड में इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो ए मदद मतलब से आप उस फील्ड में ट्रेमेंडस चेंज ला सकते हो किसी भी फील्ड की बात कर लो इन सब फील्ड्स में एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे सेपरेटली पूरे एक डिटेल्ड वीडियो में इन सब फील्ड्स में एप्लीकेशन देखेंगे बट जस्ट सोच के देखिए आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो विद स्टडी विद एआई यू कैन मेक हिस्ट्री देयर राइट तो इसीलिए करियर अपॉर्चुनिटीज यहां पे बहुत ज्यादा है ठीक है उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे ऑल दो नाउ टाइप्स ऑफ टास्क वेयर कंप्यूटर्स आउट परफॉर्म या आउट हाँ आउट परफॉर्म ही लिखा हुआ है मुझे आउट परफॉर्म लगा सॉरी आउट परफॉर्म ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींगस आउट परफॉर्म कंप्यूटर्स तो ऐसे टास्क यहां पे कंप्यूटर्स ह्यूमन बींगस के ऊपर हैं और यहां पे जब ह्यूमन बींगस कंप्यूटर्स के ऊपर है सो कंप्यूटर्स जब ह्यूमन बींगस के ऊपर है वो देखते हैं सो सो कंप्यूटर्स आउट परफॉर्म ह्यूमन डेटा स्टोरिंग एंड रिट्रीवल डेटा का स्टोर होना या रिट्रीव होना सो डेटा डेटा स्टोरिंग स्टोरेज एंड डेटा का रिट्रीवल ठीक है मतलब जो बहुत सा ऑब्वियस काम है ठीक है कैलकुलेशंस मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज जनरल फीचर ऑफ दिस काइंड इज द रूटीन जॉब मतलब बेसिकली ए आई या कंप्यूटर्स आउट परफॉर्म ह्यूमन बींग्स को कब करेंगे जब हम एक रूटीन जॉब की बात कर रहे हैं डे टू डे काम की बात कर रहे हैं बहुत सिंपल बहुत बहुत बेसिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तब डेफिनेटली कंप्यूटर्स आउट परफॉर्म करेंगे ह्यूमन बींग्स दैट रिक्वायर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है ना बट ह्यूमन बींग्स आउट परफॉर्म कंप्यूटर्स वेन सॉल्विंग एम्बिग्यूटी एम्बिग्विटी मतलब um, एम्बिग्विटी मतलब होता है कि देखो एक ही चीज के मल्टीपल मीनिंग्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे सपोज अगर मैं डेटा एम्बिग्विटी की बात करूं तो अगर एक ही डेटा दो तो अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करता है वो अलग है तो उस चीज को इंटरप्रेट करना जैसे सपोज मैं अगर आपसे कहूं कि यार सपोज एक कॉलम है नाम का है ना एक कॉलम है नाम का ठीक है नेम है और सपोज एक रोल नंबर है ठीक है अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सपोज सेम रोल नंबर वन के लिए दो लोग एग्जिस्ट करते हैं एक एग्जिस्ट करता है सपोज मैं ही एग्जिस्ट करता हूं वरदान है ना और एक एग्जिस्ट करता है वन टू थ्री अब ये एम्बिकुटी है कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा रोल नंबर वन के लिए क्या चीज लू वरदान लो कि वन टू थ्री लो तो ये एम्बिक्यूटी है अब इस एम्बिक्युटी का ह्यूमन बीइंग में इंटेलिजेंस लगा के सिंपल से वरदान तो डेफिनेटली नाम लग रहा है वन टू थ्री थोड़ी नाम लगे किसी का तो मैं वरदान सेलेक्ट करूंगा वन टू थ्री सेलेक्ट नहीं करूंगा यह एम्बिक्विटी सॉल्व करना मतलब जब कंफ्यूजन हो दो चीजों में तब सॉल्व करना फाइंडिंग सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज तो डिसिमिलर चीजों के बीच में सिमिलैरिटी फाइन करना एंड वाइस अवर्स मेकिंग सेंस ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस सॉरी इन ट्यूशन दैट इज फाइंडिंग द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ओनली बाई फीलिंग एंड विदाउट एनी रीजनिंग जिसको हम सिक्स सेंस के तरीके से बात कर दें तो यहां पर आउट परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर्स को ऑल दो हम ये चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर्स को कंप्यूटर्स को इतना माहिर बना सकते हैं कि वो इस चीज में भी ह्यूमन बींग्स को कंपीट कर सके और इवन ऐसा टाइम आ जाए जब कंप्यूटर्स आउट परफॉर्म कर जाए ह्यूमन बींग्स को हर फील्ड में तो वो आगे सिचुएशन आएगी बट फिर भी तब भी वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन रह जाएगी जब ये चीज़ नहीं होगी या एक फील्ड तक या एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ये रहेगा जब कंप्यूटर्स किसी ना किसी चीज़ में ह्यूमन बींग्स से नीचे रहेंगे क्योंकि तो अगर वो हर चीज़ में ऊपर पहुँच गए मतलब जैसे कि इमोशंस वगैरह में हो गया सिक्सथ सेंस में हो गया इंट्यूशन में हो गया अगर इसमें भी वो ऊपर पहुँच गए तो वो फिर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ह्यूमन बींग्स की जरूरत नहीं है और फिर एक्सटेंशन की सिचुएशन आ जाएगी ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स की जिसको हम फियर करते हैं राइट right? तो वो चीज़ नहीं डेवलप करनी है वहाँ तक नहीं पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाना है जिसमें कि ह्यूम मतलब कंप्यूटर्स हमारी हेल्प कर रहे हों नहीं कि हमारे ही ऊपर बैठे हैं है ना मतलब हमें रूल कर रहे हैं वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए हमारे लिए हमारे एड होने चाहिए हमारी हेल्प करनी चाहिए राइट मतलब साथ में रहना चाहिए हमारे ठीक है तो अलाइंड गोल्स होना बहुत ज़रूरी है मतलब साथ में एज अ ब्रदर वर्क कर रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट वो हमें रूल ना करने लग जाए दैट मस्ट नॉट बी द सिंग ठीक है और ना हम उनको रूल कर रहे हो बेसिकली मशीन्स को भी हम ना रूल कर रहे हो वो भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी चीजें गलत हो जाती है राइट चलो सो सिमिलर टू हाउ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड ड्यूरिंग द एंड सेंचुरी ठीक है तो जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था दुनिया को और सेंचुरी के समय सो so सेंचुरी में क्या हुआ तो धीरे धीरे यार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं कहूं तो स्टीम पावर की बात करें तो सबसे पहला जो रिवोल्यूशन आया था वो स्टीम पावर की मदद से आया था जिसमें हैंडलूम वगैरह भी था है ना वीविंग की मदद से उसके बाद जो नेक्स्ट आफ्टर दैट जो मेन रेवोल्यूशन पाया गया वो पाया गया मास प्रोडक्शन पे मतलब जब आपके मशीनरी आने लग गई ठीक है मतलब मशीन्स आ गई हम मास प्रोडक्शन करने लग गए ठीक है तो तब बेसिकली आ गया आपका सेकेंड स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन ठीक है जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी तो फर्स्ट वॉज योर स्टीम पावर नेक्स्ट वॉज योर इलेक्ट्रिसिटी थर्ड वॉज योर कंप्यूटर्स तो जब कंप्यूटर्स आए सो दैट वॉज योर थर्ड रिवोल्यूशन तो एटीन नाइनटीन से शुरुआत हुई बट एक्चुअली कंप्यूटर रेवोल्यूशन कब हो रहा है सो कंप्यूटर रेवोल्यूशन बेसिकली ट्वेंटी सेंचुरी में हुआ है ना तो स्टार्टिंग तब से हो गई फिर ट्वेंटी सेंचुरी की बात कर रहे हम फिर कंप्यूटर्स का रेवल्यूशन सो दैट वॉज योर थर्ड रेवोल्यूशन ठीक है तो सबसे पहले किसने लाया जो रेवोल्यूशन मतलब बिल्कुल चेंज ले लिया है इंडस्ट्री में दैट वॉज योर स्टीम पावर सबसे पहले स्टीम पावर फिर नेक्स्ट वॉज योर इलेक्ट्रिसिटी फिर थर्ड वॉज योर वॉट थर्ड वॉज योर कंप्यूटर्स या ऑटोमेशन और अब जो लास्ट है फोर्थ जो है जो अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूं अभी जो रेवोल्यूशन आने वाली है दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज जैसे कि आई ठीक है आईओटी मतलब स्मार्ट होम्स डिजाइनिंग वगैरह रोबोट्स का डिज़ाइन करना मतलब ऐसे सिस्टम बना देना जिसमें रोबोट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं तो वो अब ये भी जो फील्ड होगी ये जो ये जो इंडस्ट्री आने वाली है ये भी ट्रेमेंडस चेंज लाने वाली है मतलब बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाएंगी ठीक है तो ये चीज़ है है ना ये सिचुएशन है ठीक so है सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं ठीक है वी आर नाउ अबाउट टू विटनेस अ न्यू रेवोल्यूशन द ए रेवोलूशन ए इनेबल डिवाइस विल ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ ठीक है तो हम डेफिनेटली एज ए ह्यूमन बींग एज ऑफ हर एज हम उस रेवोल्यूशन के पार्ट रहेंगे हम देखेंगे वो रेवोल्यूशन आता हुआ जिसमें ए आई हर फील्ड में कमाल कर रहा होगा तो वो हम विटनेस करेंगे आगे ठीक है तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट ठीक है यू वुड बी सून एक्सपीरियंसिंग दैट ठीक है तो ये था फिलहाल अभी जो हमने देखा दैट वॉज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आगे आने वाली वीडियोज में और कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आगे आने वाले वीडियोज के लिए बने रहिएगा अगर आपको उन टॉपिक्स को डिटेल में समझना है तो फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है भाई हमारी वेबसाइट विच इज मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम यहां पहुंचने के दो तरीके या तो आप गूगल पे सर्च कर लो मैगनेट ब्रेन्स पूरी लिस्ट खुल जाएगी अलग अलग वेबसाइट्स की किसी पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ लंक दिस इज आर होम पेज और वेबसाइट या फिर आप यहाँ सर्च कर सकते हो विच इज मैगनेट डॉट कॉम तब भी आप यहाँ लैंड कर सकते होम पेज यहाँ पे आपके पास पूरे क्या है पूरे आ, क्लास पैलेट है और ये कैटेगरी है इसमें से किंडरगार्डन गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ बच्चे सी बी एस के टू ट्वेल्व इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिएगा सो और यहाँ क्लास पैलेट में से क्लास एट्थ में क्लिक करिएगा तो क्लास एट्थ के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे यहां आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा वॉचन ऑप पर क्लिक करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोज खुल जाएंगे किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल अभी तो फिलहाल ये प्रीमियर पर लगी हुई है वीडियो ठीक है ये प्रीमियर हो भी चुकी होगी बट अब जब आप इसको देखोगे तो आपको ये ओपन मिलेगी जिसमें आपको प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल नॉर्मल जो कंट्रोलिंग पावर से वीडियो की वो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी बट दीनियर्स केय यहाँ क्यों आना है यहाँ के स्पेशलिटी तो यहाँ पे यार आ, बिल्कुल वही यूट्यूब वाला कंटेंट है बिल्कुल सेम कंटेंट यहाँ पे बट यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये है कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है यहाँ पर भी वीडियो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्ज नहीं है बट यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ आपको मैगडम बेस का सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गनाइज मिल जाएगा ठीक है सो यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग ये ठीक है यहाँ पे आपको सब कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इवन हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपको कॉम्पिटेटिग एग्जाम्स मिल जाएंगे आपको आई टी जी मिल जाएगा को नीट मिल जाएगा कोई सी टी मिल जाएगा आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल, मिल जाएंगे और ये सब भी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आप लोग के लिए बस आपको करना क्या है आपको आना है इनसे सीखना है डाउट्स पूछना है प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने इन योर स्कूल एग्जाम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स इन योर कॉम्पिटेट एग्जाम्स दैट इज वट वी नीड फ्रॉम यू जस्ट गुड मार्क्स बाकी कंटेंट तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है ही तो अगर आपको हमारी मेहनत तो अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोस अच्छी लग रही है प्लेस पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट में से जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडर से क्लास ट्वेल्ल तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता तो लू नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच